आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने आम जनता को ठगने का काम किया। कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के लिए विकास के कार्य करती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी जी की सरकार हो, हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा खोखली बातें उनका इतिहास रहा है। और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और चाहे हम चुनाव की दृश्य देखें या उनके आज़ादी के बाद उस 70 सालों का उनकी जो देश के अंदर सरकार रही, राज रहा, उसमें अगर उसका पूरा आकलन करेंगे तो कहीं भी उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ नारेबाजी के अलावा।